तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं उठी हूँ, तो आज या नहीं है तो मैंने वैसे भी थोड़ा सा जल्दी उठना प्रिफर नहीं किया। थोड़ी सी अच्छी सी नींद लेके उठी हूँ, वैसे भी हीन की वजह से मैं सो नहीं पाती रात को अच्छे से। तो अभी मैं मेरा सुबह वाला स्किन रूटीन जो है वो मैं करूँगी। सबसे पहले डर्मा कंपनी का जो फेस वॉश आता है जो अच्छा आता है, मतलब मुझे उतना पता नहीं चलता ये सब प्रोडक्ट्स में, बट मेरी बहन मुझे सजेस्ट करती रहती है, वैसे मैं यूज़ करती हूँ। ये सीरम अप्लाई करने के बाद फेस वॉश करूँगी मैं। उसके बाद मैं ये जो लोरियल का आता है ना, ये वाला मैं अप्लाई करूँगी, और उसके लास्ट में मैं ये वाला सीरम अप्लाई करूँगी जिसमें विटामिन सी और एवरीथिंग। ये सब सूख जाए उसके बाद लास्ट में मैं रोज़ वाटर अप्लाई करती हूँ। ये मेरा पहले से रूटीन है रोज़ वाटर का, ये सब बाद में ऐड किया है। तो अभी मेरा स्किन रूटीन में सारा कुछ कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ बाहर जाके। मैं उठ के वापस तुरंत सो गई थी पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ गई थी तो मैं सो गई थी। तो अभी हमारा ये जो मॉर्निंग वाला ड्रिंक होता है तो बस मैं वही निकाल रही हूँ मेरे और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड को कई डॉक्यूमेंटेशंस के लिए बाहर जाना था, पर जाना है तो उन्होंने बोला कि चाय मत बनाओ, तो बस मैं वही अभी कर रही हूँ। तो क्विकली इसमें हम लोग नींबू डाल देंगे। तो मैंने इसका है ना एक्चुअली मिक्सचर बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने मेथी दाना डाला है, ज़ीरा डाला है, सौंफ डाली है, फिर आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, बट हमारे में क्या है कि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है ना, तो फिर हम लोग ये नहीं डालते हैं ये समर्स में। तो बस ये मिक्सचर रेडी करके हम लोग रात को भिगो देते हैं। किया नहीं है इसलिए मैं आज आलमंड्स भिगोना भूल गई हूँ, वरना तो मैं आलमंड्स भिगो ही देती हूँ। ये थोड़ी सी खिचड़ी वगैरह लेफ्ट ओवर पड़ी है रात की, ये बॉटल्स सारी वॉश करनी बाकी है मुझे। रात को मैं ना पंप करके सो जाती हूँ और वही ब्रेस्ट फीड होल नाइट इसको देती हूँ बॉटल्स में, क्योंकि मेरी नींद भी अच्छी रहे वो ज़रूरी है। तो बस यही होता है। चलो फिर मैं ये रेडी कर लेती हूँ, मिलती हूँ बाद में। अभी हस्बैंड को मैं ये देने जाऊँगी, मुझे मेरे इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर हिया नहीं होती है ना तो मैं पूरी की पूरी आलसू बन जाती हूँ तो बस अभी हिया को वैसे दोपहर को उसके पापा लेके आएंगे। ये सारे कपड़े फोल्डिंग करने के लिए अभी वैसे ही वैसे पड़े हैं। ये है मेरा स्टेरिलाइज़र। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि आप बॉटल्स को कैसे वॉश करते हो, तो मैं ये जो लवलैक का जो लिक्विड क्लींजर आता है उससे पहले क्लीन करके फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। ये जो एवेंट का, फिलिप एवेंट का स्टेरिलाइज़र है, जिसमें आप लीड्स अलग कर सकते हो और नीचे का जो है वो बॉटल्स अलग से रखना है होता है इसमें, और बहुत अच्छे से स्टेरिलाइज होता है। तो अभी तो हम लोग उठे हैं तो ये सब कुछ बेडशीट वगैरह भी मेरे को करना बाकी है। हेलो 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 किशु, ये देखो अभी से मम्मा को टीस कर रहा है ना। ये उसके फ्रेंड्स है दो, बस उसको पूरा दिन देखता रहता है वो, सारा ऐसे कैसे झमेला पड़ा हुआ है, सब 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 क्लीन करते करते पता नहीं कितने बज जाएंगे। अभी तो मुझे लंच भी बनाना है। तो क्या होता है ना कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर तुम लोग जल्दी से नहीं उठते हो टाइम पर और नहीं सब कुछ हो पाता है तो सारा कुछ डीले 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 होता ही जाता है पूरे दिन में। तो एक मिनट बेटा, तुम्हारा ये हो गया है ऐसा। तो बस मेरा अभी यही चलेगा पूरा दिन, लेट 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 लेट। तो अभी इसको वापस से भूख लग गई है, इसको फीड करवा देते हैं, उसके बाद मैं अपना ड्रिंक लूँगी और उसके बाद सारा कुछ काम इसको सुला के ही हो पाएगा। और हस्बैंड अभी जा रहे हैं, तुम जा रहे हो ना, बाय। चलो ठीक है, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ।
तो मेरा बच्चू अभी सो गया है और मैं अभी ये सारा मैस क्लीन करने वाली हूँ, तो मुझे ताकत दीजिए क्योंकि आज कुछ भी नहीं किया ना, तो पता नहीं क्यों बहुत आलस आ रही है। कोई बात नहीं, चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। मेड भी आ गई है अभी, मैंने ये ग्वाकामोले सुबह सुबह बनाया है जो एवोकाडो का बनता है, और ये टोस्ट मैंने सावरडो मंगवाया था बाहर से, तो बस मैं उसको टोस्ट कर लिया है मैंने, और थोड़े से मुरमुरे। तो मैं थोड़ा सा अभी नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी लंच। लंच में आज सोच रही हूँ कि सिर्फ नॉर्मल सी मसाला खिचड़ी बना दूँ, देखते हैं कैसे प्लान होता है। ये एवोकाडो होता है ना, उसको मैश करके उसमें अनियंस, टमाटो, लेमन और आपके फेवरेट स्पाइसेस, मैं तो सॉल्ट एंड पेपर ही डालती हूँ खाली, बहुत अच्छा लगता है, ट्राई करना, और बहुत हेल्दी होता है ये। तो यहाँ पे मैंने एवोकाडो टोस्ट जो बनाया है उसका अच्छे से फिलिंग कर दिया है, मतलब भर भर के रखना है उसको। जितना ज़्यादा लगाओगे उतना आपको ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। मेरी बहन ने ऑल पर्पस बेगल सीजनिंग दिया था जो वो कनाडा से लाई थी, देखिए इस वो ये एक्चुअली बहुत इतना अच्छा है ना, इसमें थोड़े से गार्लिक के चंक्स भी है, सेसमे सीड्स है दो तरह के, तो ये मैं हिया को भी ब्रेड के ऊपर लगा के देती हूँ, बटर के ऊपर, या तो फिर आप कोई भी कुछ भी दे सकते हो उस पर ये लगा के, बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए फोटोज़ भी मैं बीच बीच में लेती हूँ। फर्स्ट करने से पहले मैं ये जो चावल है ना, बासमती चावल, इसको मैं भिगा के जाऊँगी और दाल अलग से भिगाऊंगी। मैं अलग तरीके से खिचड़ी बनाती हूँ जो कुकर में नहीं बनती है, वेजिस के साथ बनाऊंगी, पर आप इसमें देख रहा मेरी रेसिपी की मैं कैसे बनाती हूँ। दाल चावल मैंने भिगो दिया है और मैं चल रही हूँ अभी मेरा थोड़ा ब्रेकफास्ट करने। मैं ब्रेकफास्ट पर्सन हूँ, मुझे एवरी डे ब्रेकफास्ट करना अच्छा लगता है। अच्छा लगने से भी ज़्यादा तो ये है कि मुझे ब्रेकफास्ट करना ही पड़ता है सुबह, मैं करती ही हूँ क्योंकि मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता, मॉर्निंग नहीं होती मेरी। ये मेरा हस्बैंड सारा कुछ बिगाड़ के चले गए हैं, तो मैं ये सब अच्छे से रख रही हूँ। बस अभी थोड़ा सा टीवी चला के देखूँगी और साथ में ब्रेकफास्ट कर लूँगी, और उसके बाद हम लोग खाना पकाना शुरू करेंगे। होपफुली अच्छे से हो जाए। ये सब इसलिए बिखरा पड़ा है क्योंकि यहाँ पे झाड़ू पोछा लग रहा है घर पे। फिर उसके बाद मुझे ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं और बाहर पानी भी डालना है सारे प्लांट्स को। तो चलो बने रहिए ब्लॉग में। घर की क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने सब कुछ अच्छे से रख लिया है, मेरा रूम भी क्लीन हो चुका है एकदम। मैंने जैसे ही नाश्ता किया इनको ख़त्म लग गया। रोना शुरू हो गया जैसे मैं नाश्ता लेके बैठी। तो साथ साथ में यहाँ पे मैं हिया वैसे सो नहीं रहा था, बट मैं उसको ऐसे खेलने के लिए रख के आ गई, छोड़ के अच्छे से साइड में सब कुछ करके। यहाँ पे मैं क्विकली वेजेस कट कर लूँगी, जिसमें मैं डालूँगी पोटैटोज, तुवर दाना जो आता है वो, आप पीनट्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी पीनट्स नहीं अवेलेबल थे तो मैंने नहीं डाले हैं,
टमाटर, अनियन और पोटैटो में डाल रही हूँ। ये अरहर की दाल है जो मैंने सोख करके ऑलरेडी रखी हुई है 1 आवर तक, उससे ज़्यादा भी होगा शायद। और ये जो बासमती राइस है वो भी मैंने भिगो के रखे थे, जितना भिगो के रखेगी उतना बासमती राइस अच्छा बनेगा। तो बस मैं वही कर रही हूँ क्विकली, मैं ये फटाफट से इसको काट कट करके जल्दी से उसको बना दूंगी मैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 1 o'clock हो गया था, मतलब 1:13 जितना हो गया था, और मैं आज बहुत लेट चल रही थी, पीछे पीछे बहुत लेट उठी थी इसलिए। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा चल जाता है। तो मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म कर रही हूँ अभी यहाँ पे। तो आप इसमें मैं देखते जाइए कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ, सारे वेजेस कैसे डालती हूँ, कौन आगे कौन पीछे ऐसे। ये कॉलीफ्लावर भी मेरे पास पड़ा हुआ था तो बस मैंने वो भी ऐड कर दिया है थोड़ा सा अंदर। हस्बैंड को बहुत पसंद है कॉलीफ्लावर वाली खिचड़ी, तो मैंने अच्छे से देख देख के कॉलीफ्लावर किया है, डाला है। इसको मैंने ये शूट नहीं किया है, बट ये जो कॉलीफ्लावर है उसको मैंने गर्म पानी में भी थोड़ी देर के लिए डाल के रखा था। ये जो मैं कैटल रखती हूँ ना यहाँ पे, उसमें क्विकली गर्म पानी हो जाता है, तो मैंने 5 मिनट्स तक उसको अंदर रख के फिर वापस से ये प्लेट में निकाल दिया था। तो सिंपल से खिचड़ी बनाती हूँ, आप जैसे देखते जाओगे तो आपको भी आइडिया आता जाएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। पहले दाल और सब्जियाँ मैं पका लेती हूँ, और उसके बाद मैं लास्ट में राइस डालती हूँ, और ये जो कॉलीफ्लावर है वो मैं लास्ट में ऐड करती हूँ इसमें। तो बस ऐसे ही मैं सिंपल से खिचड़ी बनाती हूँ, और लास्ट में मैं बिरयानी मसाला भी खिचड़ी में डालती हूँ। आप भी डालें और मुझे बताएं कि आपकी खिचड़ी कैसे बनती है। ठीक है, तो चलो अभी शांति से प्रोसेस देख लो मेरा कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये बीच में मेरे बर्तन और कपड़े वाले जो भाई हैं वो भी आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे साबुन चाहिए, तो मेरे काम करते करते बीच में मुझे उनको साबुन देने जाना पड़ा। तो चलो क्विकली आप मेरी रेसिपी देख लो, सिंपल इजी एंड बहुत ही अच्छी है, जो 15 मिनट्स में रेडी हो जाती है अगर आपने सारी तैयारियां कर ली है तो। और हमेशा याद रहे कि हमेशा दाल और चावल और सब चीज़ों को वॉश करके प्रॉपरली, या उसको ऐसे भिगो के ही यूज़ करें तो आपके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। ट्राई करें कि प्रेशर कुकर में ना बनाते हुए आप कोई भी पतीली में बनाएं या फिर कढ़ाई में बनाएं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं है ना क्या करती हूँ कि सारा कुछ जो है मैं सिलबट्टे में ही कूटती हूँ, और उसमें ही ये मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट में दिया था, वो मेरे लिए लेके आई थी, और उन्होंने भी मुझे यही सिखाया कि यार तुम इसमें खाना बनाओगी तो उसका टेस्ट ही अलग आएगा, तुम फ्रेश मतलब ये जो मिक्सी में सब लोग करते हैं ना वैसे तुम करोगी तो उसका टेस्ट अलग आएगा, और ये कूटा हुआ उसका टेस्ट अलग आएगा। तो आप भी ट्राई करें कि कूटे हुई चीज़ ही, थोड़ा टाइम लगेगा उसको क्लीन करने में, मेंटेन करने में, तो अगर करोगे तो बेस्ट है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने बस वही कर लिया है यहाँ पे। और एक बात मैं साथ साथ क्या है ना, जब खाना बनाती हूँ सब कुछ करती हूँ तो उसके साथ साथ मैं अपना क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। मतलब ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा मतलब रहेगा। आप पूरा दिन में ऐसे ट्राई करोगे, सारा कुछ जल्दी से साथ साथ में ही अंदर रख देना है, क्लीन करते रहना। अच्छा चलो, तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से गर्म करके मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है। ये जो बर्तन मेरे पास पड़े हुए हैं ना वो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, एक्चुअली इसमें खाना बनाना नहीं चाहिए। मैं कुछ नए बर्तन खरीदने वाली हूँ, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं सब प्लानिंग करके करने वाली हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ट्राई करें कि आप स्टील की या फिर एल्यूमिनियम की यूज़ ना करें। तो मैंने यहाँ पे तेल गर्म होते ही उसमें राई ज़ीरा का तड़का डाल दिया है, और उसमें मैंने डाला है जो चिली फ्लेक्स और
लहसुन मैंने जो कूट के रखा था ना वो सारा कुछ अंदर डाल के उसको अच्छे से सॉटे कर लिया है। फिर मैंने डाली है अनियंस, उसको भी अच्छे से सॉटे कर लिया है। अनियंस को थोड़ा सा उसका कलर चेंज नहीं कर रहा है, थोड़ी सी लाइट हो जाए उसके बाद सारा कुछ जो वेजेस है वो डाल देना। इसमें आप गाजर भी ऐड कर सकते हो, ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो, बीन्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो कॉलीफ्लावर है ना उसको मैंने छोड़ दिया है क्योंकि सारा कुछ पकने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बट कॉलीफ्लावर है वो ऑलरेडी भिगोया हुआ है गर्म पानी में, तो उसको जल्दी से हो जाएगा और पूरी ये जो खिचड़ी है वो चिपचिपी हो जाएगी। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है। वैसे मैं गर्मी में ज़्यादा तीखा खाना नहीं बनाती हूँ तो इसलिए मैंने बहुत ही कम डाला है। फिर मैंने धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने चिकन मसाला डाला है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, एकदम थोड़ा सा डालना है। उसके बाद मैंने ये जो दाल थी जो मैंने आई थिंक 1-1.5 घंटे तक भिगो के रखी हुई थी वो दाल मैंने अंदर डाल दी है। और ये सारी चीज़ों को अभी हम लोग ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। और साथ साथ में यहाँ पे देखिए मैं सारा कुछ क्लीन भी करती रहती हूँ और सारा कुछ अपनी जगह पे रखती भी जा रही हूँ। तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरा सब कुछ साथ साथ में हो रहा है। यहाँ पे मेरे जो बर्तन वाले आंटी आते हैं वो आके चले गए हैं, तो बस मैं बर्तन भी अपनी अपनी जगह पे उसको सेट कर रही हूँ। तो वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से बर्तन वाली जो ये आंटी आती है उनको फ्री कर दें क्योंकि उनकी छुट्टियाँ बहुत ही होती है और ऐसा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो बस मैं खुद ही करूँगी। वैसे जब नहीं आते हैं तो मैं भी साथ साथ में बर्तन क्लीन करती ही रहती हूँ, तो उससे बर्तन भी ज़्यादा नहीं होता है और लोड भी ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चेक कर लिया है कि सारी सब्जियाँ हाफ ऑफ कुक हो चुकी है, तो इसमें हम लोग डाल देंगे ये सोक किए हुए चावल, ठीक है ना। तो इतना पानी इनफ है आई थिंक, तो मैंने ज़्यादा पानी इसमें डाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप गर्म करके ही पानी डालें, ऐसे रूम टेम्परेचर या फिर ठंडा पानी डालने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये जो कुकिंग प्रोसेस है उसको वो स्टॉप कर देगा, राइट। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, आप गर्म करके ही पानी डालें। यहाँ पे मैंने एकदम स्लो आंच पे चढ़ा दी है क्योंकि मुझे बहुत सारा साइड में काम था, तो बस मैं वो भी कर रही थी और मैंने पानी यहाँ पे कम डाला है। तो अगर मैं ज़्यादा फास्ट गैस चला दूंगी तो मेरी खिचड़ी भी जल जाएगी और पकेगी भी नहीं। तो अगर आपको अच्छी पकानी है खिचड़ी तो आप उसको स्लो गैस पे पकाएं। यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया है, जो शाही बिरयानी मसाला एवरेस्ट कंपनी का आता है वो मैंने डाल दिया है। और मैं छन्नी से क्यों डाल रही हूँ उसका एक रीज़न है, ये जो खड़े मसाले जो आते हैं ना बीच बीच में, वैसे मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी मुँह में आए, तो हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, तो बस मैं हर बार ऐसे करके ही डालती हूँ इसमें। और इसके लिए ही स्पेशल मैंने ये लगाया हुआ है, ये वाली छन्नी मैंने स्पेशल इसके लिए ही रखी है। तो अभी ये मैंने पकते टाइम के पहले ही मैंने डाल दिया है ये वाला मसाला, तो जैसे ही खिचड़ी पकेगी तो उसकी अरोमा भी उतनी अच्छी आएगी। तो कोई कोई लोग हैं जो इसमें कोरिएंडर भी इस टाइम पे ऐड कर देते हैं, बट मैं कोरिएंडर ऐड नहीं करती हूँ। मैं ये टाइम पे जो सूखी मेथी आती है जिसको कसूरी मेथी भी बोलते हैं, तो बस वो कसूरी मेथी मैं थोड़ा सा रब करके डाल दूँगी इसमें। इससे भी इसका टेस्ट इतना एनहांस होगा कि आप मुझे याद करोगे, इसकी स्मेल इतनी अच्छी आएगी, उसका टेस्ट इतना मस्त आएगा। तो बस ये बात भी ध्यान रखें। कुछ कुछ बार क्या होता है ना कि हम लोग को सिंपल खाना बनाना है बट उसको भी कोई अलग तरीके से या फिर उसको भी एरोमेटिक और बहुत अच्छा बनाए, तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। अभी गर्मी इतनी बढ़ चुकी है और मैं हाइड्रेटेड रहती हूँ पूरा दिन, ट्राई करती हूँ, वैसे मैं ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ मेरे बच्चे को, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी मैं कंज्यूम करूँ।
तो साथ साथ में जब तक खिचड़ी पकती है तब तक मैं मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे मौज वाले जो अकाउंट है, मेरा यूट्यूब है, सारा कुछ मैनेज करती हूँ। तो उसके साथ साथ मैं उसका भी देखती रहती हूँ। और मुझे अगर कोई रखना है, कोई प्रिपेयर करना है, कोई ड्राफ्ट मुझे प्रिपेयर करना है, तो मैं उसके हिसाब से मैं करती रहती हूँ। मैं 3 टाइम पे मेरे पोस्ट जो है मैं डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। स्टोरीज तो एवरी टाइम मेरी लगती ही रहती है इंस्टाग्राम पे। तो बस यही चल रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी थी कि आज लंच में ही ये बन रहा है। और इसमें मेरा इतना जल्दी, मतलब मुझे इतना अच्छे से इसमें हाथ लग गया है कि मैं जल्दी जल्दी से सारा कुछ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा सब कुछ, मैं साथ साथ में आप देख सकते हो कि मैं क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारा कुछ रख दिया है अंदर, और ये मेरा सूख चुका है तो इसको भी मैं, ये काफ़ी भारी है, इसको भी मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। और सब कुछ जो सूख चुके हैं बर्तन, ये सारी चीज़ें हैं ना, जो ग्लास के बर्तन हैं, मिक्सी जार है, वो सब मैं खुद हाथ से क्लीन करती हूँ। क्योंकि ये जो काम वाली बाई आती है ना, वो लोग ये अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे जो नॉर्मल वाले जो बर्तन हैं, जो अभी यूज़ हुए थे, कांच वाले थे, और ये वाला अकेला सिर्फ ये पैन था। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं वॉश कर लेती हूँ, और उसके साथ साथ मैं मेरा सिंक भी क्लीन करती रहती हूँ बार बार। तो बस ये सारा कुछ क्लीन हो गया, मैंने फ्लोर भी क्लीन कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद सिर्फ अभी खिचड़ी पकनी बाकी थी। तो बस वो हो जाता है, उसके बाद मैं शांति से आगे जाके बैठ जाऊंगी। उसकी मालिश वाली आंटी आ गई है और मालिश चल रही है ही आंटी। तो अभी ही अन मालिश करके सो चुका है और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। मुझे कुछ काम है, वैसे मेरे टाइमिंग्स होते हैं रील्स रखने के, तो बस उसमें थोड़ा माइनर करेक्शंस बाकी था, तो मैं बस वही कर रही हूँ मेरे फ़ोन में। तो बस ये चल रहा है। मेरे तो कुछ प्लानिंग्स भी है जो लिखने बाकी है। मैंने सारा कुछ खाना तो रेडी कर दिया है, मैंने पापड़ वगैरह भी तल के रेडी करके रख दिया है, सैलेड भी कट कर दिया है। हिया ऑन द वे है, उसके पापा के साथ घर पे आ रही है, तो बस मैं अभी उसकी वेट कर रही हूँ। मेरी, मुझे भी इतना सुकम होके रखा है कि कुछ मन नहीं लग रहा है अच्छे से मेरा। तो बस मैं अभी हियान के साथ थोड़ा और सो जाऊंगी। आज वैसे भी बहुत लेट उठी हूँ मैं, बट स्टिल मेरी आँखों में अभी बहुत ही नींद बाकी है, बहुत सारे महीनों की नींद बाकी है। तो हियान बस सो रहा है, और हियान को मैंने अच्छे से फीड करवा के सुला दिया है, तो अभी वो बस आई थिंक 5 o'clock तक वो उठेगा। मालिश करके उसे अच्छा नींद करना उसे अच्छा लगता है, तो बस वो सो जाएगा। आज हिया उसके फ्रेंड के घर जा रही है, स्कूल फ्रेंड है उसकी, तो बहुत दिन से वो लोग प्लान कर रहे हैं, तो आज मैं उसको उधर भेज रही हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है आप टेंशन मत लो, मैं उसको रखूँगी अच्छे से। सो बस हिया उसके घर पे जा रही है, तो पहले मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा रहता है, कैसे मैनेज होता है सब कुछ। इवन वी ऑल्सो हैव टू डू सम प्रिपरेशन फॉर हियास बर्थडे,
तो वी आर ऑलवेज बिलीव इन प्री प्लानिंग, तो बस अभी वो भी हम लोग कर रहे हैं. मैं और हस्बैंड एवरी डे, जब से बच्चे आए हैं तो एवरी डे उनकी प्लानिंग्स होती है जैसे हमारे पेरेंट्स की होती थी, तो बस हम लोग उसमें ही बिलीव करते हैं. बच्चे खुश तो हम खुश डेफिनेटली, तो बस उसकी सब प्लानिंग होगी. जैसे हस्बैंड घर आते हैं, हम लोग बहुत एक्चुअली है ना कंफ्यूज्ड है कि हिया की बर्थडे में हम लोग क्या करें, कैसे करें. वैसे उसके फ्रेंड्स भी उतने ज़्यादा नहीं हैं, या 10 या जितने होंगे, मैक्सिमम 10 जितने होंगे. अगर मैं मेरी फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स के काउंट करूँ, मैं मेरी फ्रेंड जो है सारी, उसकी भी आई थिंक प्रॉबेबली सबकी गर्ल्स ही है एक दो को छोड़ के, तो वैसे हम लोग गर्ल्स गैंग है. अभी मेरा बॉय भी है तो अभी मैं बॉय गैंग में भी आ चुकी हूँ, तो गर्ल्स गैंग है सारी. बट हाँ, हिया अभी बड़ी है तो अभी तो मैं हियान को तो वैसे भी मैं मम्मी के घर पे रख के जा सकती हूँ, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो हैविंग बॉटल मिल्क. आई हैव ऑल्सो डन माई पम्पिंग ब्रेस्ट फीड का जो भी होता है, मैं बहुत सारा पम्प करके रख देती हूँ एक ही बार में. बहुत सारे क्वेश्चंस थे मुझे कि ऐसे कितने टाइम तक हम रख सकते हैं, कैसे. अभी गर्मी बढ़ गई है तो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो, जो ब्रेस्ट मिल्क को पम्प करके रखते हैं. वैसे मुझे एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग बाहर जाते हैं तो सब लोग ऐसे ब्रेस्ट फीड करवाते हैं ना, नो मतलब ऐसे ब्रेस्ट फीड अभी क्या हो गया है कि बहुत ही नॉर्मल हो गया है, सब लोग बाहर ही नो डाउटली करवाते हैं और उसमें शर्म नहीं ही होनी चाहिए. मैं भी ऐसे ही समझती हूँ, बट मुझे एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं रहता है उतना, तो मैं ज़्यादातर मैं पंप करके ही लेके जाती हूँ मिल्क और बाहर फीड करवाती हूँ विथ बॉटल. मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि बॉटल से फीड नहीं करवा सकते, बट सबकी थोड़ी थोड़ी कम्फर्टनेस होती है, प्रायोरिटीज होती है कि बच्चे के पीछे अगर स्पून फीड से टाइम लगा देंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ. क्योंकि मेरे चीज़ में क्या है ना कि जो मेरा एक एक मिनट भी मेरा लिखा हुआ होता है कि ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है. आई एम टोटली ऑन टाइम पर्सन कि कुछ भी, मतलब एक मिनट में फालतू में वेस्ट नहीं करती मेरे पूरे दिन की, क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना टाइट होता है और मुझे बहुत सारे अकाउंट्स हैंडल करने होते हैं. अकाउंट्स मैंने उतने नहीं बना के रखे, मैं उसमें बिलीव ही नहीं करती. बस एक अकाउंट है, अच्छे से संभालो, अच्छे से ग्रो करो, दैट्स ओके. मुझे बहुत सारे सब जगह से मुझे नहीं करना है कुछ भी. या आई एम नाउ फोकसिंग ऑन यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इंस्टाग्राम से गिफ्ट्स आते हैं, गिफ्ट्स ऑप्शन मोनेटाइजेशन का उन्होंने भी रखा है और गिफ्ट्स आते हैं, मुझे भी आते हैं और उससे भी मैंने अर्न किया है, बट नॉट गुड एज कम्पेयर टू यूट्यूब. यूट्यूब का भी मेरा अभी आई थिंक बहुत ही कम बाकी है मोनेटाइजेशन का. आप सबके सपोर्ट से मुझे ये सब कुछ हो रहा है, मैं मेहनत भी बहुत कर रही हूँ. दो किड्स के साथ दिस इज़ नॉट एट ऑल ईजी फॉर मी, इट्स वेरी मच डिफिकल्ट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू 100%. तो बस वो सब कुछ अभी मैं उसका एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी मैं, क्योंकि बातें तो मेरी ख़त्म ही नहीं होगी एक बार स्टार्ट होगी तो. तो चलो अच्छे से, अभी मेरा सिर्फ कपड़ा फोल्ड करना बाकी है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे करना ही पड़ेगा, क्या करे, कौन, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास. बच्चों को तो रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. खाना तो पकाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. किसी पे रिले होने के लिए कोई ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं. तो बस हम लोग करते हैं, वैसे जो अकेले रहते हैं सबका ऐसा ही होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है. और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं अकेली करती हूँ, सारी औरतें करती हैं, सारी मम्मीज अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करती हैं. आई एम नॉट दैट महान पर्सन, बट चलो फिर मुझे लगता है कि हिया आ गई है तो बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग सारा कुछ कर लेते हैं. अभी आई थिंक हिया ही है, ये मैं आपको दिखाती हूँ.
हेलो आजा आजा क्या खा के आई ओ माय गॉड ये बेटा टी शर्ट भी बिगाड़ दिया यार मम्मी बा ने पहना है बट ये टी शर्ट क्यों बिगाड़ दिया आइसक्रीम खाते खाते तुम्हें खाना नहीं खाता है मम्मी ने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई है आज नहीं खानी है आज तो तुम्हारी फ्रेंड के घर जा रहे भाई ये रहा तुम्हारा मुंह बिगड़ा हुआ है ओके 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 ठीक है चलो हस्बैंड आ गए हैं मैं उनको सबको खाना खिला देती हूँ अच्छे से प्लीज बेटा डोंट डू दिस अच्छा ठीक है क्या आए हैं आज हमारे लिए क्या लेके आए ओ मेरा फेवरेट पफ अरे यार खाना बिगड़ जाएगा यार शाम को खा लेंगे ठीक है ना ओ माय गॉड ये मेरा इतना फेवरेट पफ है कि मैं आपको क्या बताऊं सब कुछ उतना फेवरेट मतलब वो हम लोग की कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी थी कि हम लोग ऑलमोस्ट एवरीडे ये पफ खाते थे ओए देखो ये यहाँ पे ये आइसक्रीम तुमने खाया तो मैंने ऐसा मुंह बनाया था दोनों के लिए है बेटा ठीक है चलो थैंक यू सो मच अभी हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं को कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग पे हिया देख रही है उसका फेवरेट पापा और हिया का फेवरेट मूवी हाय पापा मेरे कपड़े अभी वही कंडीशन में पड़े हुए हैं सुबह से हिया अभी पी रही है गर्मी में गर्मियों में ठंडी ठंडी लस्सी और मैंने यहाँ पे हमारे जो कोलैबोरेशन शूट्स होते हैं हम लोग घर पे ही करते हैं कोई बाहर जाने की कचकच अभी गर्मी में नहीं चाहिए तो बस मैं और हिया इतना अच्छा सा सेटअप लगाया हुआ है बाहर तो क्यों हम लोग घर का ही यूज़ क्यों ना करें बच्चों को फालतू में परेशान करना है तो अभी ये ख़त्म करके हिया आएगी बाहर और हम लोग जल्दी से फटाफट से शूट कर लेंगे और फिर हिया जा रही है हिया की फ्रेंड के घर उसके लिए हिया रेडी भी हो चुकी है अच्छे तो से मेरे फ्रेंड ने मना किया कि तुम मेरे घर आना मना किया नहीं बोला तेरी फ्रेंड ने बोला ऐसे नहीं बोल सकते बेटा मना किया मतलब आज स्टॉप कर चलो तो अभी हिया फटफट से खत्म कर लो कैसी लगी काश मैंने मना कर दिया ठीक है तो अभी हिया रेडी होके ही बैठी है अराउंड 5 o'clock हिया के पापा उसको रख के आएंगे और यहाँ पे हिया का फेवरेट मूवी चल रहा है और वो एंजॉय कर रही है लस्सी चलो तो जल्दी से खत्म ठीक है फिर रात को साथ में देखेंगे वापस है ना मैं रात को आऊंगी ठीक है हाँ के बेटा हैव फन थैंक यू बाय टेक केयर गुड नाइट उधर नहीं सोना है जाओ चलो जल्दी फिर मैं मम्मा यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रखेगी ओके व्हाट शुड आई मेक फॉर योर डिनर पास्ता ओके ओके उसकी मम्मा ने बनाया होगा कुछ ठीक है ना तुम फोन करवाना मैं लेके लेने आ जाऊंगी ठीक है ना पापा ठीक है खा के आना अच्छे से खेलना और प्लीज आंटी को बिल्कुल परेशान नहीं करना हाँ बेटा बाय तो हिया अभी उसके फ्रेंड के घर चली गई है अभी हम लोग देखते हैं क्या करेंगे हियान भी उठ चुका है मुझे सोना था बट टाइम नहीं मिला कोलैबोरेशन के पिक्चर्स वगैरह ले रही थी तो चलो अब मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद तो अभी बज चुके हैं 6:07 और हिया ऑलरेडी अपनी फ्रेंड के घर जा चुकी है मैंने डिनर की प्रिपरेशंस कर ली है थोड़ी बहुत हस्बैंड बोल रहे थे कि दोपहर का सारा कुछ पड़ा हुआ ये नहीं खाना बनाना ठीक है मैंने बोला ओके तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए हमने इंस्टाग्राम रील थ्रू एक बहुत ही अफोर्डेबल
किड्स के लिए समर वेयर की एक शॉप देखी है जिस जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी आ रही है, हमको ज्वाइन कर रही है, उसके बेटे को इंटरनेशनल खेलने जाना है नेक्स्ट मंथ, तो फिर उसको भी कुछ लेना है, तो शी इज़ टेलिंग मी कि चलो, वैसे हम ऐसे रील्स भेजते रहते हैं एक दूसरे को, बट उसको आज जाना ही है, तो शी इज़ सेइंग चलो चलते हैं। मैंने बोला ठीक है, तो बस हम लोग उधर ही जा रहे हैं, अगर अच्छा होगा तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यू पीपल, आई टेक सम फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम देयर। मैं मेरा एक्चुअली यूट्यूब वाला जो फ़ोन है वो मैं घर पे ही भूल के आ गई हूँ, तो बस मैं ट्राई करूँगी कि इसमें मेमोरी वैसे बहुत फुल हो चुकी है, देखूँगी मैं कितना रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं उधर जाके। या हमारा हैदराबाद जीत गया, तुम और पापा हार गए। तो 22 बॉल बिगड़े नहीं होते तो हम ही जीतने वाले थे। हम हैदराबाद वाले हैं। अच्छा, अभी तुम हैदराबाद में आ गए। चल चीटर, ये तो उसने ऑरेंज पहना है, देखो। बच चुके हैं 10 और हिया आ गई है उसकी फ्रेंड के घर से वापस। हिया मजा आई? मजा नहीं आई? तो घर तो वापस नहीं आना था, क्यों झूठ बोल रही हो यार। और यहाँ पे हमारे घर पे एज ऑलवेज मैच चल रहा है। हियान भी अभी थोड़ा सा नैप ले रहा है, अभी जग जाएगा आई थिंक 11 o'clock। तब तक मेरे पास काम है, 2 दिन मेड भी नहीं आने वाली। बेटा ले लो भाई का डायपर, ले लो। नहीं मैं नहीं लूंगी, आज हिया मुझे हेल्प करने वाली है। नहीं लोगी तो नहीं हेल्प करना, चलो नहीं करना, ठीक है। तो अभी तक मेरा ये पहाड़ ऐसा ही पड़ा हुआ है। नहीं तो अभी मैंने यहाँ पे खाना वाना हमारा हो चुका है, और हमारा हमको अभी बर्तन सब कुछ बर्तन मांजना है। स्टेयर्स अब तुम्हारे रूम में होंगे, देख लो। मैं ये सब क्लीन करके तुम्हें बुलाती हूँ बेटा। तो फिर मेरे को ये सारा कुछ मैस क्लीन करना है अभी, और मेरे पास बहुत कम टाइम है, ही एंड जब तक सोता है तब तक। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है और हम लोग ये बर्तन वगैरह क्लीन करने वाले हैं अभी। मैं करूंगी। और ये ही चढ़ गई है देखो। ठीक है, तो अभी मैं अभी 2 दिन काम वाली बाई आने नहीं वाली है, तो बस हम लोग वही करेंगे अभी। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी मुझे सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। बेटा एक मिनट शांति रखना है, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है देखो। तो अभी आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी मैं नाइट वाला जो पानी है वो मैं भिगो के सारा कुछ क्लीन करके फिर मैं तुरंत सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ही नींद आ रही है आज। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए। नहीं अभी ही चालू कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय। फिर बात में, बाय से, बाय बाय बात में, बाय दोस्तों। हम लोग है ना यहाँ पे ही व्लॉग करते हैं, घर पे ही करते हैं, हमें बाहर जाना नहीं पसंद है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।